सुख देवे सोई सगो हाटन सगो होए मार होए महली जले मोरे यही अचंभो होए। जब एक सती होने का जो दृश्य है उस पर एक कवि की ये दो पंक्ति है कि सुख देवे सोई सगो हाडन सगो होए मां रोवे महली जले। जिसकी हाड मास की निर्माता मां वो रोकर रह रही है और महली यानी उसकी पत्नी वो उनके साथ चल के उसी धाम को प्राप्त कर रही है अपने सतीत्व के लिए, अपने आन बान और अपने शान के लिए, इस क्षत्रिय के गौरव के लिए। इसी कड़ी में मैं अर्चना सिंह जी हाडा आपको सादर आमंत्रित करता हूं। आप पधारे और इस नारी शक्ति के रूप में आप हमको प्रेरित करें। जय श्री कृष्णा हुकम। आज मुझे बहुत सौभाग्य महसूस हो रहा है कि मुझे आज इस मंच पे बोलने का मौका मिला है, जहां मातृशक्ति की संख्या इतनी ज्यादा है कि जहां बोलने के लिए मुझे अच्छा भी लगेगा कि मेरे बोलने से कि मुझ कुछ मातृशक्तियों में और क्षत्राणियों में कोई मैं बदलाव ला सकूं। तो आज यहां विराजमान आदरणीय महाराज साहब, अध्यक्ष महोदय, संत महाराज और मंशा सिंह और यहां पधारे हुए मेरी मातृशक्ति क्षत्रिय सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। अंजार धनी अजमेर नरेश, सिद्धि योगी चक्रति महाराज अजयपाल देव जी का यह विशाल स्मृति समारोह आज खोड़ में आयोजित हो रखा है और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। अजयपाल जी महाराज के बारे में अभी सुरेंद्र दादा ने जो फरमाया और जो उनकी वीरता और पराक्रम की जो बातें बताई, वो एक क्षत्रिय होने का हमें गर्व महसूस होता है कि हमारे कुल में, हम ऐसे कुल में जन्मे हैं जहाँ के जुझार आज भी हमें पर्चा दे रहे हैं। आज भी इस प्रांगण में ऐसा लग रहा है कि उनकी उपस्थिति हमें महसूस हो रही है। अजयपाल जी के महाराज के बारे में हमें सबको पता है और उनके वीरता के कार्य के बारे में हमें आगे भी वक्ताओं ने बताया है और मैं आज आपके समक्ष उस परम वीर व्यक्ति के चरित्र का एक पहलू मैं आपके बीच बताने जा रही हूं, जो क्षत्रिय का मूल चरित्र है और हमें क्षत्रियों को आज हम इस चरित्र को भूल रहे हैं। जो अजयपाल जी महाराज के चरित्र में हुआ करता था और वो उनके जो मूल चरित्र था, जिसका एकमात्र कारण जो मुझे लगता है कि वो आज हमें नजर नहीं आ रहा है, हमारी पढ़ी लिखी युवाओं में वो कमी महसूस हो रही है, उसका कारण मुझे यही लग रहा है कि हम हमारी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं और हमारे संस्कृति के तत्वों से दूर होते जा रहे हैं। उस संस्कृति का एक तत्व है महिला ही नहीं, स्त्री जाति के मात प्रति आध्यात्मिक सम्मान और भाव। आज महिलाओं के प्रति जो भाव और सम्मान की भावनाएं हैं, वो क्षति होती जा रही है, कहीं उसकी कमी लगती है इस समाज में। जो भी सच्चा वीर होगा उसमें ये भावनाएं प्राकृतिक रूप से जन्म लेती हैं, उसको हमें बनाना नहीं पड़ता है। स्त्री के सम्मान के लिए उसमें हमें जागरूकता पैदा नहीं करनी पड़ती है। एक क्षत्रिय में ये गुण स्वयं होने चाहिए। इस अजयपाल जी महाराज के चरित्र में उन्होंने जो काम किए थे, उनकी पत्नी सोमल देवी के नाम से जो चांदी के सिक्के चलाए गए थे आज से 1000 साल पहले, ये दर्शाता है
कि वह अपनी पत्नी से कितना प्रेम और सम्मान करते हैं, और आज के टाइम में अगर देखा जाए तो ये सारी कमियां आज के युवाओं में देखी जा रही है। उसको अपन पाश्चात्य संस्कृति का असर कह सकते हैं, या हमारे संस्कारों में, हमारी एजुकेशन में ऐसी चीजें आ गई है कि हमें वो संस्कार मिल नहीं पा रहे हैं। अजय पाल जी के चरित्र से हमें ये सीखनी चाहिए कि जो हमारे संस्कार हैं, स्त्री को सम्मान देना, उसको प्रेम और उसके व्यक्तित्व को बढ़ाना, और स्त्री के सम्मान के साथ साथ हम उसके आदर को और उसकी पवित्रता को भी महसूस करें। हमें आज के युवाओं को मैं ये कहना चाहूंगी कि आज जब हम समारोह में उपस्थित हुए हैं तो हम एक प्रण लेके जाएं कि हम मातृशक्ति को पवित्र भाव से, प्रेम से और सम्मान देंगे। जैसे अजय दादा का जो चरित्र था, जिसमें उन्हें 1000 साल पहले चांदी के सिक्के उनकी पत्नी के नाम से चालू करवाए थे, वो गुण आज हम में भी होने चाहिए। आज के युवाओं को मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोगों में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। एक स्त्री को सम्मान मिले, उसकी प्रतिष्ठा उसको मिले, तो वो घर एक अलग ही माहौल रहता है। घर में जब भी कोई संबंध की बात चलती है तो पुराने लोग यूं कहते थे, भैया ब्याह तो कर रहे हो छे, लड़को तो एक बार जाओगे तो संस्कार होनी होनी चाहिए। हमारे यहाँ हड़ौती में यही कहावत है, पैसा सब कुछ नहीं होता है, पर लड़को अशो हो कि जो भाई बाया ने हाथ में रखाना। बाया ने हाथ में रखाने का मतलब है 24 घंटे हाथ में लादे नहीं रहेगा, पर उसका आदर करे, स्त्री का आदर और सम्मान, उसको स्त्री को मातृ स्वरूप हम लोगों को ये अपने संस्कारों में लाना है। आज के युवाओं में ये बड़ी कमी महसूस होती है कि आदर तो करते हैं पर जहां कहीं खुद की स्त्री की बात आती है, कोई तुलना होती है, तो वहां एक ईगो पॉइंट आ जाता है। तो ये चीज हमें हमारे समाज से हटानी है और स्त्रियों को मान और सम्मान दिलाना है। और मैं अपने शब्दों को यहां ही विराम दूंगी। जय श्री कृष्ण। हेलो, अर्चना सिंह जी, हाल्डा ओकम, आपने मातृशक्ति के बारे में जो प्रेरणा दी